हे गाइस, वेलकम टू अ चैनल स्टडी फॉर इंडिया। 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के न्यूज 18 चैनल पर इस मैटर को उठाया गया है। एक प्रोग्राम आता है शाम को 5 बजे, वहां पर इस मैटर को उठाया गया है। वो हर डिस्ट्रिक्ट में अपने चौपाल लगाते हैं, तो जो भी कैंडिडेट 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है वो वहां पर चैनल के माध्यम से अपनी बात जो है सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें, तभी 69 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो है बहुत जल्द संपन्न हो सकती है। यहाँ पर आप हम एक दो वीडियो अपलोड करेंगे, एक 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के पोस्ट किया गया है और दूसरी जो भर्ती है 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो 30-33 वाले समर्थक हैं उनमें आदित्य पांडे जी हैं, उनके संघर्ष को वो शुरू से लेकर लास्ट तक सब पिछले 7 महीने से 30-33 के मुद्दे को लेकर संघर्ष कर, और वो इस प्रोग्राम में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम होता है वो वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और उनकी प्रयास सफल होगा कि नहीं होगा ये उनके ऊपर डिपेंडेबल है, लेकिन अब उनके जो भी मुद्दे हों इसी तह 69 शिक्षक भर्ती में एक जुझारू और संघर्षशील व्यक्ति की आवश्यकता है, जो इस मुद्दे को मीडिया में प्रमुखता से रखे, क्योंकि आम चुनाव का सीजन चल रहा है। इसी दौरान जो है इस मुद्दे को अगर उठाया जाएगा प्रमुखता से तो यह भर्ती जो है बहुत जल्द संपन्न होगी। युवाओं को ताकत जो है सरकार को दिखानी होगी, सरकार को लगेगा कि हाँ युवा अब जागरूक हो चुके हैं, उन्हें हम बेवकूफ़ नहीं बनाए जा सकते। ये कह के नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में योग्य भर्ती नहीं मिल रहे हैं, या ये कह के नहीं टाला जा सकता कि हमारी कोई भर्ती अदालत में लंबित नहीं है। तो सरकार को अपनी जो है पूरी ताकत दिखानी होगी। इस वजह से जितने भी मीडिया में जो भी सभा या चौपाल आपकी लगती है तो आप वहां पर जाइए अपने डिस्ट्रिक्ट में और वहां पर 69 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को प्रमुखता से उठाइए, जिससे कि सरकार के पास आपकी आवाज़ पहुंच सके। तो इस वीडियो को हम दोनों वीडियो को एक साथ संलग्न कर रहे हैं और आप इसको देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि संघर्ष कैसी चीज़ होती है जो आपको कहीं ना कहीं ले जा करके सब चुनाव के बीच में है। कुछ बोलेगा, कोई कुछ उठाएगा, फिर बहस आगे बढ़ेगी, तीखी होगी। जी हाँ, लेकिन मुझे मालूम है बेरोजगारी वाले मुद्दे पे तमाम सारे युवा मेरे साथ बैठते हैं, रोज आते हैं, मुझे मालूम है अहम मुद्दा है और इससे मैं नकार नहीं रहा हूँ बेटा। मैं जानता हूँ मुझसे पीछे सुनोगे मेरी बात या सिर्फ नेता ही बन जाना है सबको? सुन तो लो, मुझसे किसी ने कहा कि आपने ग्रेजुएशन मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि मैंने 12th कर लिया था, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इसलिए कर लिया क्योंकि ग्रेजुएशन कर लिया था, और फिर पीएचडी इसलिए कर ली क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया था। तो ये कोई जो निरुद्देश्यता है, यानी कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो ये सबसे बड़ा भटकाव है। हमें क्या करना है ये हमें नहीं पता है, और सबसे बड़ा कारण और जो है वो यही समझ में आ रहा है इस वक्त कि हमारे सामने कोई लक्ष्य नहीं है, और ये लक्ष्य का ना होना शिक्षा में भटकाव का सबसे बड़ा कारण है कि कोई लक्ष्य नहीं है हमारे पास। तो लक्ष्य दीजिए समाज में और इसके आगे बढ़ते हैं। मैं आऊंगा साहब, आऊंगा। जी जी बिल्कुल जी। हम इतने सभी लोगों से एक बात कहना चाहते हैं कि आज तक सेंट्रल में बैठे हुए चाहे सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, क्या कभी कोई एग्जाम पास करने के बाद भी ये शंका बनी रहती कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं? इस सरकार में कट ऑफ को क्लियर करने के बाद हम बीएड बेरोजगार, बीटीसी बेरोजगार बैठे हुए हैं और मुकदमा लड़ रहे हैं कि अभी भी हम अपने आप को ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। ये क्या, मैं किसी सरकार का विरोध नहीं करता हूं, मैं बीजेपी को भी धन्यवाद करता हूं कि उसने हम लोगों को मौका दिया, लेकिन मौका ही देना सब कुछ नहीं है प्रभु, रोजगार चाहते हैं हम, हमें रोजगार चाहिए, खाली मौका क्या क्या। एक चीज मुझे समझ में आ रही है, बहुत साफ नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, जो मुझसे कल कोई पूछ रहा था कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, क्या होगा राष्ट्रवाद, क्या होगा बेरोजगार, क्या होगा राम मंदिर, तमाम मुद्दों के बीच में यकीन मानिए ये मुद्दा बहुत साइलेंट मुद्दा है, बेरोजगारी वाला बहुत साइलेंट मुद्दा है। और ये जो नवयुवक है ना, ये नवयुवक कुछ भी कर सकता है, पिछली बार कुछ किया था, कुछ भी। तुम यहां भी आ गए, आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहां मैं आ जाऊंगा। तुम इलाहाबाद में थे, कानपुर में भी था, क्योंकि आपसे मोहब्बत है, आपके न्यूज चैनल को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन ये बताओ, अब हम जहाँ जहाँ जाएंगे तुम पीछे पीछे चलोगे? बिल्कुल, क्योंकि अगर सरकार हमारी हमसे धोखा किया है 27,000 रोजगार को, मैं बात करना चाहता हूँ, सर्वप्रथम कहना चाहता हूँ कि युवा दर्द की चादर में आहे भरता है, युवा दर्द की चादर में आहे भरता है, इंतजार उसे नौकरी का शायद।
मुझे याद है सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपका भी साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 अगस्त की बात है, मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हुआ था, उसी दिन हम पर घोर लाठियां चली हुई थी, आपने पार्टी का, विरोधी पार्टी का निंदा किया था, लेकिन आज तक कोई उसका काम नहीं हुआ। 27,000 परिवार आज भी बेघर है, यही विधानसभा है बगल में, हम लोग लगातार 10 बार यहाँ आए अपनी मांग रखने के लिए, लास्ट 2 नवंबर को हम लोग लाठियां खाते हैं, भगा दिया जाता है, लेकिन फिर भी आज तक बीजेपी का कोई नेता, मंत्री, विधायक, जिसको सबको 75 जिलों में ज्ञापन दिया गया है, ये है ज्ञापन, किसी मंत्री विधायक को ऐसा नहीं छोड़ा जिसने ना दिया। 20 बार अनुपमा जायसवाल से मिला हूँ, कम से कम 35 बार, 7 महीने की बात है, 7 महीने से लड़ रहा हूँ, और ये न्यूज चैनल का आभार देना, प्रतीक भैया का आभार देता हूँ, जिनकी बदौलत आज 3 दिनों से लगातार मेरा मामला उठ रहा है। अच्छा ये बताओ, तुम मुझे बनारस में पता नहीं थे? नहीं, लेकिन तुम पहुंच नहीं पाते, लेट हो गए बनारस में, लेट हो गए थे, फिर तुम इलाहाबाद में मिल गए, अब कानपुर में, लखनऊ में हम कल भी हैं, तो मैं कल भी होऊंगा। बहरहाल अच्छी बात है, लेकिन मैं योगी जी, अब 27,000 सीट अभी भी 68,500 में बाकी है, सभी नेता जितने भी हैं सब लोग एक साथ होकर युवाओं का साथ दे, क्योंकि युवा देश चलाता है, न कि नेता चलाता है जी। तो इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूँ जी, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल जी, क्योंकि ये तो ऐसे घूमता रहेगा मेरे पीछे पीछे, कहाँ तक जाएगा। मैं सर से कहना चाहूंगी, जो सर कह रहे हैं कि उनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, तो मैं इतना कहूंगी कि हम लोग भी नोटा दबाएंगे और हम कहेंगे हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि हर वैकेंसी निकालते हैं ऑन पेपर्स, इन्होंने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती निकाली ऑन पेपर्स, लेकिन कंप्लीट किए खाली 40,000 बच्चे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनको बच्चे ही नहीं मिल रहे, हम लोग एलिजिबल ही नहीं है, तो नोटा दबाएंगे, क्योंकि हमारे पास भी एलिजिबल कैंडिडेट नहीं इलेक्शन में, सारे के सारे ऐसे ही, जैसे ये हमें हटा देते हैं जॉब से कि तुम एलिजिबल नहीं हो, हमारे पास वैकेंसी तो बहुत है, योगी जी हमेशा कहते हैं उत्तर प्रदेश में वैकेंसी तो बहुत है बट एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है, तो ऑब्वियसली इलेक्शन में कैंडिडेट तो बहुत है बट नो वन इज एलिजिबल, वी विल आल्सो नॉट गोइंग, तो हम नोटा दबाएंगे। अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री